वजह नहीं आई है यस लेट्स के बात करें फनी एक बार जोर से मजा आया यस थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी बहुत ही अच्छा लगा था आज पूरा देखने में मज़ा आ रही थी थैंक यू मशरूफ मैम क्या है ज्यादा ग्रूम है हमको पसंद आ गया सो दैट्स ऑल सो इतना है ग्रूम मेकअप में सो so, टॉपिक से आप लोग समझ ही गए होंगे आज हम सीखने वाले हैं मेकअप बॉयज़ के लिए मैंने सोचा बहुत लड़कियों का तैयार कर लिया है चलो आज, अब लड़कों की बारी है क्योंकि बहुत कमेंट्स आ रही थी मुझे बॉयज़ की कि मैम प्लीज बॉयज मेकअप भी सिखाइए तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले एक टोनर यूज कर लीजिए आप रोज वाटर यूज कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो अपनी वाइफ या बहन या बीवी से मांग सकते हैं अच्छा वाइफ और बीवी एक बीबी के होते एम सो सॉरी सो यहाँ पर रोज वाटर लगाने के बाद आपको इसे बहुत ही अच्छे से ड्राई कर देना है वेल ये बता दो बॉयज मेकअप में बहुत ज़्यादा कुछ अप्लाई नहीं करना होता है खाली स्किन केयर आपको बहुत अच्छे से करना है यानी कि स्किन प्रेप फिर आपको एक अच्छा सा मॉइस्चराइ ले लेना है मैं यहाँ पे शॉपल का यूज कर आप चाहे तो नीविया का यूज कर लीजिए अपने स्किन टाइप के हिसाब से आपको मॉइस्चराइजर लेना है अगर आपका ड्राई है तो आप नीविया यूज कीजिए अगर आपका ऑयली है तो आप न्यूट्रीजना यूज कर सकते हैं मेरे सजेशन के हिसाब से सो so, अच्छे से मॉइस्चराइजर को ऑब्जॉर्व करना बहुत ज़रूरी है याद रहे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मॉइस्चराइजर अप्लाई मत कर लेना नहीं तो आपका मेकअप जो है वो पैची हो सकता है मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है प्राइमर अगर आप मेकअप लगा रहे तो थोड़ा सा प्राइमर लगा लीजिए फिर यहाँ पर मैंने लिया है सुपरा का फाउंडेशन मैंने इनके शेड के हिसाब से एफ यूज़ किया और आप लोग देख सकते हो बहुत ही कम क्वांटिटी में एकदम एकदम ही कम क्वांटिटी में आपको लगाना है क्योंकि बॉयज़ जो होते हैं वो कभी मेकअप नहीं करते हैं और एकदम से अगर आप ज़्यादा मेकअप कर देंगे ना तो उन्हें बहुत ओवर लगेगा इवन अगर म की बात करें तो प्लीज उन्हें बहुत ज्यादा प्रोडक्ट अप्लाई मत करिएगा एक नॉर्मल जो फाउंडेशन ले लीजिए मैं तो कह रही हूँ बहुत ही अच्छा अगर आपके पास बॉबी ब्राउन है या बॉबी ब्राउन के अलावा अगर आपके पास मे बीन सुपस्ट है तो आप वो भी लगा के इस तरह का बेस दे सकते हैं याद रहे एकदम लाइट वेट फाउंडेशन ही आपको यूज करना है डोंट यूज उदा ब्यूटी और दैट काइंड ऑफ फाउंडेशन जो बहुत ओवर लुक को दे दे ऐसा कुछ फिर आपको पाउडर से सेट कर लेना है अगर आपके पास ये वाला पाउडर नहीं है तो आप कोई नॉर्मल दूसरा पाउडर भी यूज कर सकते हैं मैं लोरा मसी का पाउडर यूज करी रही हूँ और मैं इसे जो है ब्रश की मदद से लगा रही हूँ ट्यू ब्रेंड से लगाऊंगी तो थोड़ा ओवर हो जाएगा तो इसीलिए ब्रश से आपको लगाना है देन अगर बॉयज मेकअप की बात करूँ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि आप बियर्ड डिफाइन बहुत अच्छे से करें तो यहां मैं बियड बियर्ड डिफाइनिंग कर रही हूँ जिसके लिए हम जो आईब्रोजे पर प्रोडक्ट यूज करते हैं वही मैं बियर्ड पर यूज कर रही हूं ताकि एकदम नेचुरल इफेक्ट आए प्लीज आप आई मत यूज़ कीजिएगा क्योंकि उससे थोड़ा सा डार्क इफेक्ट आ सकता है अगर आप ब्रो डिफाइनर यानी कि आईब्रो डिफाइनर यूज करेंगे तो बहुत ही नेचुरल इफेक्ट आएगा तो सबसे पहले इस तरह से बियर्ड को शेप कर लीजिए और बियर्ड को शेप करने से पहले Uh, मैंने जो मॉडल बैठे हैं यानी मशहूर भाई से मैंने कंफर्म किया था कि आपको किस शेप में चाहिए तो उन्होंने मुझे पूरा एक्सप्लेन किया था कि मुझे इसी शेप में बियर्ड चाहिए तो फिर मैंने उसी हिसाब से इनको डिज़ाइन किया है आप भी मूच वगैरह पे भी डिज़ाइन दे सकते हो मैंने बियर्ड को प्रॉपरली डिज़ाइन करने के बाद जो है आइज़ के ऊपर और नीचे वाले पार्ट पर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट यूज़ किया है क्योंकि जनरली बॉयज़ की आँखें थोड़ी सी ऑयली होती है तो वो ऑयल से जो है मेकअप खराब ना हो इसलिए मैंने कॉम्पैक्ट लगा दिया वैसे ये बहुत ज़्यादा शर्मा रहे थे मेकअप के टाइम पर लेकिन आप लोग देख सकते हो बहुत ही वैसे मेरे हिसाब से बॉयज़ को एकदम प्रॉपर मेकअप की जरूरत नहीं लेकिन प्रॉपर स्किन केयर की जरूरत है तो मेकअप करने से पहले स्किन प्रैप अच्छे से करिएगा देन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यूज़ कर लिया था कॉम्पैक्ट और थोड़ा सा हाइलाइटर बहुत थोड़ा सा मैं बॉबी ब्राउन का यूज़ कर रही हूँ आप लोग चाहे तो हाइलाइटर अवॉइड कर सकते हैं वेल 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 आप सभी को एक चीज़ मैं बोल दूं कि आपको इस लुक की प्रैक्टिस करनी है आप इस लुक की प्रैक्टिस कर सकते हो अपने हस्बैंड अपने भाई या अपने पापा पे तो प्लीज़ इस लुक की प्रैक्टिस करके मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना ताकि मैं आप सबके स्टोरीज रीमेंशन करूं बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है तो इस लुक को ट्राई ज़रूर करना अब आ रही आती लिपस्टिक की गाइस लड़कियों वाली लिपस्टिक नहीं लगानी है जो हम टिंट लगाते हैं ना चीक्स वगैरह पे टिंट नहीं आता तो नॉर्मल से जैसे बेनिफिट टिंट आता तो मैंने बस वो थोड़ा सा लेके लिप्स पे लगा दिया ताकि थोड़ा सा पिंक लगे लिप्स फिर मैंने यूज़ कर लिया मेकअप फिक्सर ताकि जितना कम यू you नो know, जो भी सब कुछ लगाया है वो सारा कुछ सेट हो जाए और उसे मैंने कर लिया है ड्राए और बहुत ही ईजी स्टेप में यहाँ पर ग्रूम मेकअप डन हो चुका है अगर आपको ये मेकअप पसंद आया तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड 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 इसको ज्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि वो लोग भी वेडिंग में इस तरह के मेकअप लुक्स करके जाए वो भी अच्छे दिखे तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए टेक केयर गाइज